हाँ जी दोस्तों, वेलकम करता हूँ नए वीडियो के साथ। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नॉर्मल फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स हम अपने आईफोन के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे गेम प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल फ्री फायर में या फिर फ्री फायर मैक्स जो है आपको ऐप स्टोर के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको ऐप स्टोर के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और नीचे में यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्री फायर। ओके, यहाँ पर मैं फ्री फायर लिख देता हूँ। फ्री फायर लिखने के बाद मैं सर्च करता हूं तो यहां पर देख सकते हो गाइज, कोई भी फ्री फायर का जो है यहां पर और नामो निशान नहीं। ओके ना, मतलब ना फ्री फायर ना फ्री फायर मैक्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब यहां पर सवाल आते हैं कि नॉर्मल फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स आईफोन के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे गेम प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा वाला तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका आईडी भी सिक्योर होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। तो मैं आपको बता तो गाइस, सबसे पहले तो आपको कुछ करना नहीं है गाइस, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं तरीके को फॉलो करना है। ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा आपको लिखा हुआ आपका नाम। जी हां, जैसे कि मेरे को यहां पर ऊपर में देखने को मिल रहा है एसके लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहां पर जो है मेरा नाम लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको परचेज और नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको यहां पर अपने ईमेल आईडी जो देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लिया जाएगा। इसके बाद ये लोडिंग वाला स्क्रीन थोड़े देर के बाद हट जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो कि जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं पासवर्ड डाल देता हूं दोस्त, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ओके, तो यहां पर मैं पासवर्ड को डाल रहा हूं। यहाँ पर मैंने क्या किया, पासवर्ड को डाल दिया। ओके ना, पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पर मैंने फाइनली यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा साइन इन हो चुका है, तो आपको भी इसी तरीके से साइन इन कर लेना है दोस्तों। ओके ना, तो यहाँ पर साइन इन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आईफोन में बिल्कुल आराम तरीके से खेल सकते हो। ओके ना, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में एप्पल आईडी नजर आएगा, नीचे में पेमेंट मेथड नजर आएगा, कंट्री एंड रीजन नजर आएगा। तो आपको यहां पर करना क्या है ना, कंट्री एंड रीजन पर सेलेक्ट करना। जी हां, जो आपको यहां पर कंट्री एंड रीजन देखने को मिल रहा है, आपको कंट्री एंड रीजन को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री एंड रीजन को जैसे ही सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग का स्क्रीन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है, टू चेंज स्टोर यू मस्ट फर्स्ट कैंसिल योर एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन। मेरा म्यूजिक सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट है, तो मैं उसको यहाँ पर से कैंसिल कर लेता हूँ दोस्त, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको कंट्री एंड रीजन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंट्री एंड रीजन पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने चेंज कंट्री और रीजन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप यहां पर कंट्री और रीजन चेंज करने जा रहे होगे तो आपको एक प्रॉब्लम आ रहा होगा। हो सकता है कि आपको सब्सक्रिप्शन हटाने के लिए बोला जा रहा होगा एप्पल म्यूजिक का, तो एप्पल म्यूजिक आप सब्सक्रिप्शन हटा देना। अगर नहीं हटाने आता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको हटाने का तरीका बता दूंगा। ओके ना, तो फिलहाल यहां पर यह चीज हो गया। तो यहां पर आपको चेंज कंट्री और रीजन पर क्लिक करना है। यहां पर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको पूरा नीचे चले जाना है दोस्तों। ओके ना, आप नीचे जाओगे तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो यूनाइटेड स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको इसको एग्री कर लेना है। ऊपर में एग्री वाले बटन पर क्लिक करके एग्री कर लेना है दोस्त। तो यहां पर मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले एग्री पर क्लिक करता हूं, एग्री हो जाता है तो आई हैव रीड एग्री। तो यहां पर मैंने पूरा पढ़ लिया, नीचे आने के बाद एग्री ये नहीं हो रहा दोस्त। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंड बाय ईमेल प्लीज रीड एंड, तो आप यहाँ पर ये करना और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालना है, डाल सकते हो, बाकी ये ज़रूरत नहीं होता मेरे हिसाब से, मानो तो ये ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करोगे हो जाता है, बट पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है। तो आप दो तीन बार ट्राई करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो चुका है गाइस। ओके ना, तो यार ये कभी कभी थोड़ा सा लेट लेता है, तो थोड़ा सा आप तीन चार बार ट्राई करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। आगे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे में आपको नेम देखने को मिलेगा, सर नेम देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी आप यहाँ पर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रीट पूछा जा रहा है, तो आप कोई भी स्ट्रीट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हांगकांग, यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट का कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं अभी यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर कुछ डिटेल सर्च कर लेता हूँ। ओके ना, तो यूनाइटेड
स्टेट पिन कोड। ओके ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पिन कोड अल कौन सा यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर पिन कोड डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर आ चुका है, अलकासा। अलकासा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अलकासा यहाँ पर डाल देता हूँ। ये है रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैं सिटी डाल देता हूँ अलकासा ही। ओके, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई सिटी है क्या है, यहाँ पर स्टेट चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टेट यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर नीचे में अलकासा का ऑप्शन आ रहा है, ये चीज़ देख सकते हो, तो अलकासा में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, जिप कोड यहाँ पर आ रहा है, तो आपको जिप कोड यहाँ पर डाल देना है, जो भी यहाँ पर मर्जी है आप जिप कोड डाल देना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिप कोड मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ रैंडम। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फ़ोन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके ना, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। ओके, फ़ोन नंबर डालने के बाद सीधा सा नेक्स्ट पर ऊपर क्लिक कर देना। ओके ना, इतना आप लोग यहाँ पर जो है काम कर लेना दोस्त, जो भी चीज़ है यहाँ पर काम करने के बाद ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। ओके ना, तो यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड यहाँ पर सब कुछ खोज रहा है यहाँ पर, तो आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से मानो तो। नन पर क्लिक कर देना। ओके ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में नन पर क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान देना, क्रेडिट कार्ड और पेपल सेलेक्ट करके मत रखना, नन पर सेलेक्ट करके रखना। नीचे की तरफ आओगे, सब कुछ हो चुका है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना दोस्तों। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो जो जिप कोड है ये गलत है दोस्त। जी हाँ, जिप कोड जो है ये फाइनली गलत है, तो हमें जिप कोड यहाँ पर कुछ और डालना होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट अल कासा जिप कोड, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिप कोड यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो जिप कोड है, तो मैं यहाँ पर जिप कोड यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। तो आप लोग भी सेम होगा तो सेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, 99501। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिप कोड प्रॉब्लम था। तो फ़ोन नंबर, एरिया कोड मस्ट बी वैलिड 3 डिजिट नंबर। भाई यहाँ पर अब फ़ोन नंबर वैलिड क्या हुआ यार, क्या सीन है? अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला प्रॉब्लम है दोस्त, तो मोबाइल नंबर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है जो कि ना। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। जो मैंने आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला, वो सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने डिटेल्स सेम डाला है, सेम सेम आप डिटेल्स डाल देना, क्योंकि आपको गूगल पर जाकर ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ डन। ओके, डन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एप्पल स्टोर के अंदर चलता हूँ। एप्पल स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर देखता हूँ गाइज फ्री फायर आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर सर्च किया, और अभी भी फिलहाल यहाँ पर फ्री फायर नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मेरा चेंज हुआ या फिर नहीं। रीजन आपका अगर चेंज हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल आसान तरीके से आपका जो फ्री फायर मैक्स है वो आ जाएगा। ओके ना, क्योंकि यहाँ पर रीजन चेंज करना ही सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कंट्री एंड रीजन पर सेलेक्ट करता हूँ, अगर आपका रीजन चेंज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं करता हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा रीजन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट है, तो यूनाइटेड स्टेट है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जहाँ तक मेरे को पता है हो जाना चाहिए। यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में लिखता हूँ, फ्री फायर मैक्स, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स कई लोगों ने सर्च किया बैटल, बट यहाँ पर भाई फ्री फायर मैक्स नहीं आ रहा, जो कि देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ पर फ्री फायर मैक्स नहीं आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ है ना भाई, फ्री फायर मैक्स, भाई फ्री फायर मैक्स भी यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर नहीं है, ऐप स्टोर के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, आई डोंट नो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर ऐप स्टोर को ओपन करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ। कि तो ऐप स्टोर मैं वापस से ओपन किया, वापस से मैं सर्च करता हूँ फ्री फायर मैक्स, सॉरी फायर यार नया है ना, तो भाई दिक्कत हो रहा भाई बहुत ज़्यादा ही। फ्री फायर मैक्स देखो गाइस, सर्च किया तो आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है ना, जो बैकग्राउंड में आपका यहाँ पर चल रहा था ऐप स्टोर, आपको हटा देना है। सबसे पहले मैं आपको फिर से स्टेप्स जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में चले आना ऐप स्टोर के अंदर, आपको जो मैंने आपको स्टेप बताया है, रीजन को चेंज कर लेना, जो आपको फ़ोन नंबर वगैरह बताया, स्ट्रीट वगैरह बताया वो चेंज कर लेना। उसके बाद ऐप स्टोर को जो बैकग्राउंड में चल रहा था उसको हटा देना है। हटाने के बाद वापस से यहाँ पर फ्री फायर मैक्स
सर्च करना। तो यहाँ पर देख सकते हो गरीना फ्री फायर नॉर्मल वाला भी देखने को मिल रहा है और फ्री फायर मैक्स भी देखने को तो मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा आप फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल करना ना कि फ्री फायर इंस्टॉल करना, एक चीज़ ध्यान देना, ओके ना। तो मैं गेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे ही गेट पर क्लिक करूँगा तो डबल टैप करने के लिए मेरे को बोल रहा है, तो मैं डबल टैप जैसे ही करता हूँ मेरा फेस आईडी लेकर यहाँ पर फाइनली जो मेरा है यहाँ पर फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल होने लग चुका है दोस्तों के। और जैसे ही आपका फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आप जो है यहाँ पर से क्या कर सकते हो ना कि आप अपना रीजन जो है पहले की तरह कर देना। मैं सबसे पहले पूरा डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पर जो हमारा फ्री फायर मैक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और यहाँ पर साइड में देखो हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या उसके बाद आपको सेटिंग्स करना है, वो चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है तो मैं डोंट अलाउ कर दूंगा, फालतू का नोटिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि यार भाई करीना फ्री फायर फालतू के नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो फाइनली है फ्री फायर मैक्स है वो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको इन फ्यूचर अपडेट भी करना होगा तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ओके ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपको जो यहाँ पर मेन सेटिंग करना है ना वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से ऐप स्टोर के अंदर चले आना है। ऐप स्टोर के अंदर आने के बाद आपको दोबारा से वही सेटिंग करना है गाइज, आपको अपने नाम पर क्लिक करना है और आपका जो भी यहाँ पर नाम है आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर चले आना है दोस्तों के। यहाँ पर आप चले आओगे तो थोड़ा सा लोडिंग जैसा स्टार्टिंग में था वैसे आपको सेम यहाँ पर भी लोडिंग देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कुछ जाता नहीं है गाइज, क्योंकि यार आप आईफोन चला रहे तो इतना तो कर ही सकते हो भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, कितना टाइम लेगा आई डोंट नो, बट थोड़ा सा वेट। टाइम खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से आपको जो कंट्री एंड रीजन है आपको वापस से इंडिया कर लेना है दोस्त। हाँ, इंडिया से हो तो इंडिया कर लेना, बाकी आप जहाँ से हो बांग्लादेश पाकिस्तान जहाँ से हो आप वहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यार यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड स्टेट से मैं तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट नहीं रखूँगा। अब मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं इंडिया कर ले रहा हूँ, ओके ना। तो यहाँ पर मेरा इंडिया यहाँ पर है, तो वापस से आपको इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वापस से आपको यहाँ पर ऊपर में एग्री का ऑप्शन आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करोगे तो वही सिस्टम है गाइस, एक बार में आपका काम नहीं करेगा, तो आपको दो तीन बार आपको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा तब आपका हो जाएगा, टेंशन ना लो। आप यहाँ पर नीचे करना, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं तो पढ़ना की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना कौन पढ़ता भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई हो जाए यार, तो भाई कितना बार करवाएगा भाई, कितना बार करवाएगा, एक ही चीज़ को बार बार करवा रहा है भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो भाई। ये 20 पेज क्या हम पढ़ेंगे, दिमाग खराब है यार, ये 20 पेज थोड़ा पढ़ना है भाई, ये पढ़ना उड़ना नहीं है यार, टेंशन ना लो। ये मैं नेक्स्ट एग्री करता हूँ भाई, ये एक बार में नहीं लेता, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, ये भाई बार बार दिमाग खराब करता है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई नहीं होगा ना तो बैक करके वापस से आप लोग कर लेना, ओके। तो यहाँ पर मैंने वापस से इंडिया सेलेक्ट किया, ओके। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड बाई ईमेल है तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, एग्री पर क्लिक करता हूँ, ओके ना। भाई यही चीज़ थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा क्या मैंने बता दिया गाइज कि आप इंडिया वापस से सेलेक्ट कर लेना, जो आपका पहले वाला एड्रेस था पिन कोड था आप अपना डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ओके ना। आप फ्री फायर मैक्स खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कर देना, आईफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर देना, लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्त। बाकी हाँ, रीजन चेंज कर लेना, अगर आपका यूनाइटेड स्टेट है तो इंडिया कर लेना दोस्त, आपके लिए ही सही होगा फ्यूचर, ओके ना। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर दोस्त।